प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपनी 19 साल पुरानी फिल्म एतराज के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो सोनिया के किरदार में इस कदर गुम हो गई थी कि घर पर भी उसी की तरह बर्ताव करने लगी थी। उनके इस बिहेवियर को उनकी माँ ने नोटिस किया था और उन्हें डांट लगाई थी। फिल्म कंपेनियन को दी इंटरव्यू में प्रियंका से सवाल किया गया कि उनके लिए किस किरदार में ढलन या उससे बाहर निकलना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। प्रियंका ने इस पर कहा, यह मेरे साथ केवल एक बार हुआ जब मेरी माँ ने कहा था कि अगर तुम मेरे घर में आ रही हो तो इस कैरेक्टर को बाहर छोड़कर आओ। फिल्म का नाम पूछने पर प्रियंका ने कहा, एतराज, मैंने सोनिया की तरह किसी से बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन वो कैरेक्टर धीरे धीरे मेरे अंदर हावी होता जा रहा था। मैं जानबूझकर वैसे ही बातें करती थी। मैं अपनी कॉफ़ी ठीक सोनिया की तरह ही उठाती। मेरा किसी की तरफ देखने का तरीका भी वैसा ही हो गया था। प्रियंका ने आगे बताया कि उनकी माँ मधु चोपड़ा ने उनका एक वीडियो शूट किया और दिखाया कि वो कैसे बिहेव करने लगी हैं। उन्होंने कहा, मेरी माँ का कहना था, हेलो, यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। मेरे साथ ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ था, मगर यह बहुत मज़ेदार था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटी थी और वाकई में इसका पता लगाना चाहती थी कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।